लो भाई, कल हमने पढ़ा था क्वांटाइज्ड एंगुलर मोमेंटम प्लस, हाँ बता दो ठीक है। अब हम पढ़ें वो साथ, हमने एक और चीज भी क्वांटाइजेशन में पढ़ी थी, वो प्लैंक्स कांस्टेंट एनर्जी क्वांटाइजेशन पढ़ी थी। अब देखो एनर्जी क्वांटाइज्ड तब होगी, क्वांटाइज तब होगी जब लोअर लेवल और अपर लेवल भी क्या हो जाएंगे, फिक्स हो जाएंगे, ठीक है। और जाहिर सी बात है कि अगर आप एंगुलर मोमेंटम को क्वांटाइज्ड कर रहे हो, एंगुलर मोमेंटम कुछ मैंने यूं बनाया था, मैंने इस चीज़ को यूं समझाया था कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो एक स्पेसिफिक ऑर्बिट में घूम रहा है, उस ऑर्बिट में वो क्या बना रहा होगा, अपनी एक वेव बनाएगा, जो कि वेव कैसी होगी, स्टेशनरी, यही बन रहा था ऐसे करके कुछ यूं करके ऐसे डिजाइन सा, ठीक है। तो ये अपनी वेव बनाएगा, लेकिन ये जो सर्कल है असली लाइन इसमें है ब्लू लाइन ऑर्बिट की, सर्कुलर होंगे थोड़े से इलिप्टिकल लेकिन काफी हद तक हम इस सर्कुलर कह लेते हैं। और ये जो रेड ग्रीन है ये इसकी क्या है, वेव फॉर्म जो बन रही होगी किसकी, इलेक्ट्रॉन की मोशन की वजह से। अब हमने देखना है कि जब ये एटम से एक फिक्स डिस्टेंस पर है, ये सॉरी एटम कह रहा हूँ, ये बाबा न्यूक्लियस से, तो इसके इर्द गिर्द जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा, फिक्स मीन क्वांटाइज्ड हो जाएगा। तो आज हमने पढ़ना है क्वांटाइज रेडाई, ठीक है। रेडाई मीन प्लस है किसका, रेडियस का, कि हमारे पास जो रेडियसिस होंगे वो भी क्या होंगे, क्वांटाइज्ड। इधर से जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, अपना नहीं है ये, अपना नहीं है, यही है देख तो, ठीक है। तो ये भी क्या आते जाएंगे, फिक्स। इसका मतलब है एक ऑर्बिट यहाँ पर होगा। अब बात वही आ गई थी, मैंने कहा था यहाँ तो इलेक्ट्रॉन इसमें रुकेगा या इसमें, इनके दरमियान ये जो कौन सा नया बच्चा है, अदनान है, ये देखा देखा ही है, ये मरी का है। अच्छा भाई, ये इसके अंदर रिजाइड नहीं करेगा इलेक्ट्रॉन, इधर रिजाइड नहीं कर सकता, या नीले सर्कल में रिजाइड करेगा या इसमें, इससे ऊपर कहीं रिजाइड नहीं कर सकता जब तक कि क्या नहीं आता, एक स्पेसिफिक सर्कल दोबारा नहीं आता, ठीक है। अब हमने जरा वो कैलकुलेट करना है वो स्पेसिफिक सर्कल, क्यों, क्योंकि वो जो स्पेसिफिक वर्ड कर दिया वो हमने कैसे किया था, हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक स्पेसिफिक सर्कल, उस सर्कल को कहा था हमने क्वांटाइज रेडाई या ऑर्बिट, वो था एम वी आर इज इक्वल टू या एन एच कट, यही नाम दिया था। अब जरा हमने इसको कैलकुलेट करना है। अब हमें पता है कि जब ये सर्कल में घूम रहा होगा, तो इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लो कि ये आपका सन है और इसके गिर्द, बल्कि इसे सन को छोड़ो, हम इधर अर्थ लेते हैं और इधर हम ले लेते हैं आपका कोई भी सैटेलाइट जो इसके गिर्द घूम रहा है। हमें पता है कि हमने उस चैप्टर में, चैप्टर नंबर 5 में कैलकुलेशन की थी कि सैटेलाइट जब इसके गिर्द घूम रहा होगा तो सैटेलाइट पे दो किस्म की फोर्सेस है, एक तो ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर वो ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर ना लग रही हो तो ये सैटेलाइट को छोड़ देगी, धागा टूट गया ना अर्थ का और सैटेलाइट का, तो सैटेलाइट अलविदा हो जाएगा। ये दूसरा, चूंकि वो सर्कल में घूम रहा है, तो आपको बताया था कि जो सेंटीपेटल फोर्स है वो कंडीशनल फोर्स है, वो पहले कोई फोर्स से होने के बाद आती है, तो ये दोनों फोर्सेज आपस में क्या होंगी, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, तो फोर्सेस की वैल्यू मैग्नीट्यूड में लेंगे। तो हमने फार्मूला बनाया था एफ डब्ल्यू या ग्रेविटेशनल कर ले हम इज इक्वल टू एफ सेंट्रीपिटल, ठीक है। इनका लिख ले, लेट आए लिख ले, हाँ अच्छा जी जी, देखो जी जी कितना था, ग्रेविटेशनल जी एम एम ओवर आर सी, और ये क्या आ जाएगा एम वी ओवर आर, ये होता है यहाँ से लेके अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस आर, हमने ऐसे किया था। अब इसी चीज़ को थोड़ा सा कन्वर्ट कर लो किसके ऊपर, हमारे, क्योंकि ये जो मॉडल था बोहर का, ये प्लैनेट टाइप मॉडल है सोलर सिस्टम टाइप, तो ये न्यूक्लियस और इसके गिर्द कौन घूम रहा है, लेट्स सपोज ये इलेक्ट्रॉन है, बल्कि सर्कल को उड़ा देते हैं कन्फ्यूजन ना हो, ये वाला इलेक्ट्रॉन है जिसके गिर्द घूम रहा है, तो ऐसे ही लग रहा है ये आपका अर्थ है और ये आपका सैटेलाइट है, तो अब इसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही होगी, ग्रेविटेशनल नहीं होगी, अब कौन सी फोर्स होगी, इस एफ जी को रिप्लेस करना है फोर्स ने, कौन सी, कॉन्डेंटम, कौन सी फोर्स होगी, कूलम फोर्स, देख के बताया, देख के बोला, इलेक्ट्रिक फोर्स, कौन सी, इलेक्ट्रिक, ये इलेक्ट्रॉन है भाई और ये प्रोटॉन है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे, अट्रैक्ट, जस्ट लाइक अर्थ अट्रैक्ट कर रही थी किसको, सैटेलाइट को, तो इधर हमारे पास फोर्स कौन सी आ जाएगी, एफ
ई और ये आ जाएगा चूंकि वो सर्कल में घूम रहा है तो दूसरी कौन सी आ जाएगी सेंटीपीटर। अगर तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा है तो ये छीन इसको कहाँ अट्रैक्ट कर लेगा। हाँ बैठ जा यार जल्दी इधर आ जा। अगर तो इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा हुई तो क्या करेगा ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की तरफ क्या हो जाएगा और धड़ाम जाकर न्यूक्लियस में गिरेगा। तो ये नहीं हो सकता सेंटीपिटल नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है दोनों फोर्सेस आपस में क्या है इक्वल। वो बैठ जाओ बॉडी बिल्डर जल्दी कर। लो जी इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला बता दोगे। हाँ मैं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं तो क्या आ जाएगा के क्यू वन क्यू टू ओवर आर स्क्वायर और आप सी क्या होगा आर। ठीक है जी। अब ये जो है हमारे पास K ये है जी अपना कौन सा कांस्टेंट इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या वैल्यू है इसकी K की वैल्यू 9.91 K की वैल्यू नहीं आती नाइन मल्टीप्लाई 10 की पावर 9 है। ठीक है क्यों। अच्छा देखो बोहर की मॉडल की बात कर रहे हैं तो बोहर की इजाजत ये थी कि आपका मॉडल कौन सा है वो तो कितने प्रोटॉन होंगे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे एक। क्यू वन क्या आ जाएगा ई क्यू टू भी क्या आ जाएगा ई ओवर आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा एम वी स्क्वायर ओवर आर। एम क्या है वेयर एम इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहां जैसे यहां ये सैटेलाइट का मास डाला हुआ है वहां पर ये किसका मास डाला हुआ है इलेक्ट्रॉन का। उधर तो एमएम से कट जाता है ना इसलिए वो आता नहीं है हमारे एक्सप्रेशन में आगे। हाँ इधर आर आर से कटेगा। अच्छा अब ये जो आर है ना ये पहले ऑर्बिट का है। हम इसको थोड़ा सा जनरलाइज करने के लिए हम क्या दे देते हैं आर को छोटा सा क्या लगा देते हैं एन लगा देते हैं कि एन कौन सा मतलब पहला रेडियस एन टू पुट करेंगे तो दूसरा रेडियस एन थ्री पुट करेंगे तो तीसरा रेडियस फिर चौथा यानी क्या ऑर्बिट्स लेवल्स को हम करते हैं और एन मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्योंकि जो ऑर्बिट्स होते हैं वो किसको शो करते हैं ऑर्बिट नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को जो कि वन से शुरू होकर एन तक जाता है। अच्छा जी ये कट जाएगा मोइन साहब के मुताबिक ऐसा ही है ये कटेगा ये कटेगा पावर कटेगी या आर कटेगी पावर कटेगी पढ़ने वाला बच्चा। लो जी ये क्या बन जाएगा इधर के ई स्क्वायर ओवर इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर निकालना क्या है R क्या निकालना है R तो R n बराबर आ जाएगा किसके एम वी स्क्वायर। अब हमें ये तो पता है कि K 9 × 10 की ताकत क्या होता है 9 E हमें पता है क्या है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.61 × 10 की पावर माइनस मास मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है E और M से निकाला था 9 × 10 की पावर -31 वी नहीं पता ये नहीं पता कि वो इलेक्ट्रॉन उसके गिर्द किस वो मिल सकती है कहाँ से वो फार्मूले से क्या फार्मूला है वो तो यहाँ से वी किसके बराबर आ जाएगा एन एच ओवर एम आर या आर एम यही बनेगा। ये पावर कहाँ पुट करेंगे वैल्यू V की जगह तो जरा पुट करें मोहतरम आर एन बराबर बनेगा के ई स्क्वायर एम इंटू एन एच ओवर 2πrm इसका होल स्क्वायर। अब मैं जल्दी जल्दी मैथ अप्लाई करूंगा समझदार लोग देखते रहें ये सारा कुछ स्क्वायर होना है तो ये स्क्वायर बटेगा बटा ये कहाँ जाएगा क्या बनेगा ओवर नीचे क्या बचेगा यही बनेगा और ये किसके बराबर था इधर आर एन के तो ये भी आर एन ही होगा क्योंकि ये जो आर एन अभी तक हम चलते आ रहे हैं ये आर एन की वैल्यू है ये भी सारी। अच्छा जी ये आर एन वैल्यू अपने स्क्वायर से कटेगी एम स्क्वायर से कटेगा आगे क्या बचेगा हमने निकालना क्या आर एन बटा पलट देगा ये उधर चला देगा तो ये बनेगा एन स्क्वायर इसको अलग कर लो क्योंकि एन हमारे पास क्या है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसके अंदर हम वैल्यू पुट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हमारा होगा बाकी क्या बचेगा एच स्क्वायर ओवर के स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर
सिर्फ एम आएगा, ठीक है। तो अगर आप गौर करो तो एच कॉन्स्टेंट है, के कॉन्स्टेंट है, ई कॉन्स्टेंट है, फोर पाई स्केयर कॉन्स्टेंट है, एम फिर कॉन्स्टेंट है। तो ये सारी चीज क्या बन जाती है, एक कॉन्स्टेंट वैल्यू। इस चीज को मैं नाम दे लेता हूं इधर, कि ये हमारे पास है जी आर नॉट, आर नॉट है, ये किसके बराबर है, एस स्केयर ओवर फोर पाई स्केयर इंटू एम। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे इसकी वैल्यूज पुट करके, मैं कर दूं पुट, माइनस 34 बटा किधर स्केयर आएगा, हाँ अच्छा इधर एन है लेकिन एन तो इधर है ना, अच्छा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी राफे, वैल्यू बता, एम की वैल्यू बता, ये सारी वैल्यूज का आप इसका खिचड़ी बनाओगे तो खिचड़ी में आंसर बनेगा 0.03 नैनोमीटर। तो आंसर क्या बना, 0.053 नैनोमीटर, इस सारी कहानी का। समझ आ गई बात की, अब थोड़ा आगे आ जाओ, लो जी अब ये हमारे पास जनरल आ गया। अब हम इसको करते हैं अपने फार्मूले के मुताबिक, फार्मूले के मुताबिक फार्मूला क्या है, आर एन इज इक्वल टू एम स्केयर। आगे क्या है, आगे हमारे पास आर नॉट है, ये सर आर नॉट आ गया, एम स्केयर वैसे आर नॉट की वैल्यू क्या है, नैनोमीटर में। तो आपने क्या पुट करना है, n वेयर इज n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, यानी कि n की वैल्यू स्टार्ट होती है, ठीक है। तो अगर पहला ऑर्बिट हो तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, तो 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई बाय द वैल्यू, तो इधर r n की जगह क्या आ जाएगा 1, तो क्या बचेगा 0.05। तो ये हमारे पास असल में रेडियस होगा कौन से ऑर्बिट का, पहले ऑर्बिट का, ठीक है। तो पहला ऑर्बिट आ गया, दूसरे का देखते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई, 4 से स्क्वायर है, तो इसको जब आप 4 से मल्टीप्लाई करो, कैलकुलेटर है नहीं है, चलो मैं लिख देता हूं, ये देखो ये बनेगा आर नॉट है ना, ये हमारा ये वाला, ये देखो, ठीक है। तीसरा 0.916 आर, इसका मतलब है आप जैसे जैसे ऊपर जाते जाओगे रेडियस बड़े हो रहे हैं छोटे हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं मल्टीपल है, तो वैल्यू क्या है मल्टीपल, तो रेडियस क्या होते जाएंगे बड़े, तो ऑर्बिट बाहर की तरफ फैलते जाएंगे। तो इसका मतलब है कि ये वैल्यू फिक्स है, अगली वैल्यू भी क्या आनी है, अगली वैल्यू भी फिक्स, तो इसका मतलब है कि आपके ऑर्बिट क्या है, क्वांटाइज्ड है। तो हमने क्वांटाइज्ड रेडियस जो भी पढ़ा है, तो ऑर्बिट क्या है, फिक्स है। इसका मतलब है कि अगर आप में से कोई बंदा ये कह दे कि सर मैं तो 4 से मल्टीप्लाई नहीं करना चाहता, मैं दूसरे को कह दूंगा 3.8 आर नॉट, तो क्या यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिजाइड करेगा, नहीं करेगा, क्योंकि उसने यहाँ तो पहले में या अगले में रहना है। ओ अजय देवगन सही हो के बैठ, ठीक है। तो ये वाली सारी कहानी चलेगी। अब इसका मतलब है कि हमें यहाँ से क्या चीज़ नहीं पता थी, तो वेलोसिटी भी अभी निकालेंगे हम, ठीक है। तो बुक डायरेक्ट लिखती है लेकिन हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये फार्मूला आपने याद रखना है, ये फार्मूला आप, ठीक है। अब हम इधर इसकी वैल्यू को मैं लिख देता हूँ इधर, क्योंकि अगले टॉपिक में भी हमें ये यूज करनी पड़ेगी। लो भाई वेलोसिटी का फार्मूला देखो, ये हमारे पास आर का फार्मूला क्या आ गया, आर एन का के स्क्वायर फोर पाई स्क्वायर, ओहो नीचे वाला फार्मूला ये रहा, ये क्या है जी, आर एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर एस स्क्वायर, ये आपको जुबानी याद हो भाई, मुझे नहीं आता आप लोगों को याद हो, ठीक है। अब हमने निकालनी है इसी से क्या, वेलोसिटी के, हमें अब उस ऑर्बिट के अंदर, जाहिर सी बात ऑर्बिट फिक्स हो गया तो उस फिक्स ऑर्बिट से हम उसकी क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी। क्यों नहीं है अभी, वी निकाल के दिखाता हूँ, रुको जरा सबर करो। अब हमारे पास फार्मूला क्या था, वी का ये फार्मूला बना था, एम वी आर इज इक्वल टू एन एच ओवर 2 पाई, तो वी किसके बराबर आया था, एन एच ओवर आर एन। तो अगर ये आर एन है तो इधर वेलोसिटी हर ऑर्बिट की सेम होगी, डिफरेंट होगी, डिफरेंट होगी, देखो ना आर एन की वैल्यू चेंज होनी शुरू हो जाएगी, तो फिर वी एन की वैल्यू भी क्या होगी,
और यार सैटेलाइट सिस्टम है, सैटेलाइट जैसे दूर होते हैं, जाहिर सी बात है, ये बहुत अच्छी बात की। लो अब हमने आर एन की वैल्यू पुट करनी है, तो एन वैसे रहेगा एच वैसे रहेगा, ओवर टू पाई एम आर एन की वैल्यू लिखो, एन स्केयर एच स्केयर ई स्केयर फोर पाई का स्केयर और एम, मैथ अप्लाई होगी अभी देखते जाना, ये बटा सारा कहाँ चला जाएगा, एक्स तो है ही नहीं इधर, अच्छा एन और एच ओवर क्या आ जाएगा टू पाई एम एन स्केयर और एस स्केयर, यही बनेगा। लो जी इसको काट दो, ठीक है जी, एम एम से कट गया, पाई इससे कट गया, ये क्या आ गया टू, तो आंसर क्या बना, क्या बना टू के ई स्केयर, उसके बाद पाई भी बचा बस, ओवर क्या बना एन एस, तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई वेलोसिटी की। तो अब अगर आप फार्मूले में पुट करो तो क्या वेलोसिटी क्वांटाइज्ड आ रही है, कैसे आ रही है ये देखना, क्या इसी फार्मूले को आप ऐसे लिख सकते हो, वन ओवर एन इधर रख लो, ये सारी वैल्यू इधर रख लो, तो की टू के ई स्केयर पाई ओवर एच, तो ये आ जाएगा आपके पास वन ओवर एन, ये आपके पास आ रही है वेलोसिटी, आपने इसका नाम क्या दे लो वी नॉट, तो ये आप कैलकुलेशन में वी नॉट आप पुट करके निकाल सकते हो और फिर हर फार्मूले की इधर से निकल जाएगी। तो इसका मतलब है कि हम वेलोसिटी भी क्या कर चुके हैं क्वांटाइज, वन ओवर एन इंटू क्या बन रहा है टू पाई टू के ई स्केयर पाई ओवर, हाँ तो वो हमारे सैटेलाइट सिस्टम में भी तो होती है, समझ आई सर। लो जी ये कौन सा आ गया आपके पास वेलोसिटी, अब हमने पढ़नी है क्या एनर्जी, क्योंकि हर ऑर्बिट में जो एक इलेक्ट्रॉन रिजाइड कर रहा है वो एक वेव बना रहा है, और हर वेव की क्या होती है एक एनर्जी, और एनर्जी हर वेव की अंदर ही रहनी है उसी वेव में, उसी पोर्शन में, स्टेशनरी वेव है, तो फिर वो एनर्जी भी क्या होगी क्वांटाइज, क्वांटाइज्ड मीन फिक्स होगी इन, क्यों अभी पढ़ी। लो जी अब एनर्जी क्वांटाइजेशन देखो, अब हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है ना उधर जो उसमें घूम रहा है वो है, तो हम कह तो रहे हैं कि वो वेव तरह बिहेवियर लेगा, लेकिन है क्या इलेक्ट्रॉन, तो उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जीज होगी, टोटल एनर्जी उसके पास कौन सी होगी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। लो जी टोटल एनर्जी होगी उसके पास, ये हमारे पास आ गया जी एनर्जी क्वांटाइजेशन। लो जी टोटल एनर्जी होगी उसके पास काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होती है भाई, हाफ, और ये क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी, ओ जाजो वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है MGH, इसके अंदर एनर्जी क्या होगी ये समझ लो, पोटेंशियल है ये समझ लो, ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये क्या होती है, ये देखो ये तुम्हारी अर्थवा है, ठीक है, इसके ऊपर ये मोइनवा है, ये हमारा गोला है, और इस गोले का कम्युनिकेशन सिस्टम टोटली। लो जी ये एम है, अगर मैं इसको उठाकर ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, इसके जैसे छोड़ूंगा ही नीचे आएगा, इसकी एनर्जी स्टोर होगी। ये जो एम जी एच थी ना ये रेफरेंस एनर्जी थी, हमने एक और एनर्जी भी कैलकुलेट की थी, किसी को याद है सर कौन से टॉपिक में, चैप्टर नंबर 4 एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, वो अगर याद हो तो वो यू हमने लिखा था किसके बराबर, किसके बराबर रखा था माइनस जी एम एम ओवर आर, अगर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ है। ओए इधर देखा करो लेक्चर के दौरान ना आवाज क्या करो, बल्कि अलग अलग बैठा करो तुम तीनों, तो अगर हम इधर लिखे तो ये क्या आ जाएगा स्मॉल आर, अगर वो किसी हाइट पर है, लेट्स सपोज इस हाइट पर है, तो वो आ जाएगा स्मॉल आर, ठीक है। अब इसी चीज को आप रिप्लेस करो किससे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, अब आपने इनके दरमियान में एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो ये एनर्जी क्या बनेगी सेम ऐसे ही निकलेगी, इसका फार्मूला क्या बनेगा, अगर आप में से किसी को याद हो तो एनर्जी जो थी चैप्टर नंबर 12 में हमने पढ़ी थी,
वहां पे हमने पढ़ा था एब्सोल्यूट वो पोटेंशियल, पढ़ा था ना एब्सोल्यूट पोटेंशियल। वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल से इसकी एनर्जी कैलकुलेट होगी। वो एब्सोल्यूट पोटेंशियल के अगर आप आंसर देखो तो सारा कुछ उसके पास क्या था, यही था वो कूलम्स वाला, बस आर स्केयर की जगह क्या था, आर था। तो कूलम्स ला क्या था, हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो किसके बराबर होगी, सिर्फ आर से मल्टीप्लाई करने से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो क्या थी वो, के फर्स्ट चार्ज सेकंड चार्ज ओवर आर, ठीक है, क्योंकि आपने जस्ट कूलम फोर्स को मल्टीप्लाई करना था आर से, तो आपके पास क्या निकल आती थी, ये वाली पोटेंशियल एनर्जी। एब्सोल्यूट पोटेंशियल में जाकर देखना, पूरा टॉपिक उधर पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो फार्मूले को देखो तो किसके बराबर आ जाएगा, माइनस के ई स्केयर ओवर आर, यही बनेगा माइनस के ई स्केयर ओवर आर। माइनस इंडिकेट्स अट्रैक्शन, डायरेक्शन नहीं अट्रैक्शन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की मोहब्बत, पंखा चलाते ठीक है, तो इनकी मोहब्बत, हाँ, तो इस गर्म मोहब्बत को हम इधर पुट करेंगे, तो ये गर्म मोहब्बत में क्या आ जाएगा, माइनस के ई स्क्वायर ओवर आर। अब इसके अंदर ना बहुत झोल है, इसमें हमें हाफ एम वी स्क्वायर चाहिए। अब हमें वी निकालना हुआ है, उसका स्केयर करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, फिर ये आएगा। तो इससे अच्छा एक और जुगाड़, ओ इसको ना ला दी, इसके अलावा एक और जुगाड़ है, वो जुगाड़ देखो क्या है, ये देखो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा एम वी स्केयर ओवर आर किसके बराबर था, के ई स्केयर ओवर, अभी पढ़ा थोड़ी देर पहले, कूलम फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स, ये इससे कट गया तो क्या बना, इसको आर एन कह लेते हैं, ठीक है जी, यही बनेगा। दोनों साइडों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दो, वन बाई टू, और ये क्या बन गया, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी उस झोल से बचने के अलावा डायरेक्ट क्या बनेगी एंड में आंसर, हाफ के ई स्केयर ओवर आर एन। तो हम जस्ट ये पुट करते हैं, माइनस क्यों आएगा, इसमें तो हमने वैल्यू पुट करनी थी ना, फोर्स की हम मैग्नीट्यूड ले रहे थे इधर। लो जी ज़रा पुट करो, तो हमारे पास काइनेटिक की जगह क्या फार्मूला बन जाएगा, के ई स्केयर ओवर टू आर एन, और ये क्या बनेगा, के ई स्केयर ओवर आर एन। आर एन पहले तो आर था, आर एन इसलिए ले रहे हैं जनरलाइज फॉर्म में करने के लिए, क्योंकि एंड में हमारे पास जनरल फॉर्म में आंसर बने। इसको सॉल्व करो, क्या आंसर बनेगा, जल्दी बताओ, ओवर टू आर एन। सिंपल सी चीज है, ये सारा कुछ कॉमन आ रहा है, आधे में से एक गया तो क्या बचेगा, आधा, माइनस आधा, ये बचेगा, सीधा सीधा मैथ है। अब क्या चाहिए, आर एन, तो अब क्या करेंगे, ये आर एन पुट करेंगे और उसके बाद एनर्जी आ जाएगी। ये असल में हमारे पास ये इक्वेशन किसके बराबर चल रही है, एनर्जी के, और ये एनर्जी कौन सी होगी, En, En मीन जनरल फॉर्म, पहले ही होगी तो एन की जगह वन आ जाएगा, दूसरी होगी तो टू आ जाएगा। पुट करो भाई, के ई स्केयर ओवर टू आर एन, पुट करवाओ भाई, ये आपको इसलिए कह रहा हूँ जुबानी याद हो, यही बनेगा। इसको जरा सॉल्व कर लो, ये सारा कुछ कहाँ चला जाएगा, ऊपर, तो k का स्क्वायर हो जाएगा, e की 4 हो जाएगी, 4 पाई स्क्वायर m ओवर क्या बचेगा, 2 n स्क्वायर h स्क्वायर n स्क्वायर, और ये इसका कट जाएगा। किसको नहीं समझ आई, तुझे नहीं समझ आई, सबको समझ आ रही है, अच्छी बात है, जिसको नहीं आ रही वो चला जाए, ठीक है। तो इसमें से वन ओवर एन स्क्वायर कॉमन ले लो, क्योंकि एन इंडिकेट्स योर ऑर्बिट नंबर, तो जौन सा ऑर्बिट नंबर होगा वो एन में आ जाएगा। बाकी क्या बचता है, बाकी तो लिखो क्या आएगा, टू, ये कटा ना, टू आया, टू के का स्क्वायर ई की फोर पाई का स्क्वायर एम ओवर एच का स्क्वायर। इसको नाम दे लो आप, वन ओवर एन स्क्वायर, क्या नाम दे लो इसको,
ई नॉट। हमने कहा ई नॉट क्यों? उन्होंने कहा भाई साहब ये सारे कॉन्स्टेंट है, इनकी कुछ ना कुछ क्या आएगी वैल्यू। ये वैल्यू जब आप लिखोगे ई नॉट की, जब आप इन सब में पुट करोगे इनका सारा डाटा, तो आएगी 13.6 ईवी। ईवी मीन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, इलेक्ट्रिक व्हीकल। लख लानत है इसके ईवी। ईवी क्या मतलब है? ईवी इज द यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर ये नहीं बनेगा, क्योंकि आंसर आएगा पहले जाउल्स में, उसे कन्वर्ट करोगे किस में? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। कैसे करोगे? 1.61 इंटू 10 की पावर माइनस 19 पे क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, तो जवाब क्या बन जाएगा? 13.4। तो अब अगर हम इसे जनरल फॉर्म में लिखे तो क्या लिखूंगा? मैं कहूंगा ई एन इज इक्वल टू भाई किसके? माइनस 1 ओवर एन स्क्वायर इंटू 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर तो हो पहला ऑर्बिट तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो ई वन किसके बराबर बनेगा? हाँ जी, 1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा ना। दूसरे की क्या बनेगी? 2.4 ये बनेगी, 4 पे डिवाइड होगा ना, एन स्क्वायर है। और समझ आई है बात? अगला तीसरा क्या होगा? हाँ, ये वेलोसिटी की तरह क्या होना शुरू हो जाएगी? कम। अच्छा एक चीज सोचो, एक चीज सोचनी आपने, ये है कि ये जो माइनस है ये क्या इंडिकेट कर रहा है? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन। अब आपने मुझे बताना है ये वैल्यू बढ़ी है या ये वैल्यू बढ़ी है? ओए नीचे वाली बढ़ी है, माइनस में जो वैल्यू छोटी है वो हकीकत में बड़ी है, जो सीधा है वो उल्टा है, जो दिखता है वो बिकता है। तो ये दिख रहा है लेकिन ये बिकना नहीं है, ये बिकना है, ये माइनस 13 है। ये माइनस 13 को जब आप 9 पे डिवाइड करोगे तो आंसर 13.6 से क्या होगा? मैं पॉइंटर मारूंगा अब तेरे लगा के, नेक्स्ट टाइम तू बैठी थी इसके साथ, ठीक है। तो ये क्या आएगा? 13.6 समथिंग, ये आंसर क्या होता जाएगा? इसका मतलब है कि जो पहला ऑर्बिट है उसकी एनर्जी ज्यादा होगी कम होगी? दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, आखिरी की? आखिरी इन्फिनिटी पे होगा तो उसकी क्या हो जाएगी? जीरो। उसकी क्या हो जाएगी? जीरो। और जीरो बड़ा होगा किससे? माइनस 13.6। तो इसका मतलब है कि अगर आपने इस इलेक्ट्रॉन को, ये कौन है भाई साहब? ओहो, ओ इधर आ, इसको स्टूल दो, मैच रखवाना था, ये स्टूल दे। ओए मोटे तारे शारे हैं इधर, तारे ना तोड़ दी ये बैठ। ओए क्या कर रहा है, बेंच दे दे उसे मोटे, एक मिनट उधर बैठते हो, देता हूँ मैं टेस्ट, ठीक है। तो ये क्या होती जाएगी? एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। इसका मतलब है कि पहले और आपका जो हाइड्रोजन का एटम है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में होता है? पहले में। तो अगर उसको पहले से निकालना हो तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उसको? इसका कितना देना पड़ेगा? बिल्कुल बराबर। तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? जीरो। जीरो का मतलब है वो क्या? बाउंड स्टेट से क्या हो जाएगा? फ्री। तो इसका मतलब है वो जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का नाम क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। नहीं जाना क्यों, अभी रुक जाए यार, अभी मैंने 15 मिनट का टॉपिक और पढ़ाई है। चुप करके बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। मोइस ये ले यार, ये उसे दे उधर, उधर ही बैठ एक मिनट, मैं देता हूँ टेस्ट। ओए रोजे नमाजी परेजी चुप कर जा। अच्छा अब देखो, तो वो कहता है कि इसका मतलब है ये ऑर्बिट है पहला, तो इसकी वैल्यू एनर्जी की वैल्यू कितनी होगी? और इसका वो कितना होगा? 0. नैनोमीटर। ये आपका है जी वो न्यूक्लियस। अगला जो आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा? डिवाइडेड बाई 4। और ऑर्बिट क्या आ जाएगा? 4 × 0. यही चलता जाएगा ऐसे। अच्छा अब अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जाएगा तो एनर्जी लेगा या देगा? लेगा, क्योंकि वो कम एनर्जी से कहाँ जा रहा है? हायर एनर्जी पे। तो ये जो एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे इसको देने वाली, इस एनर्जी का नाम क्या होगा? एक्साइटेशन एनर्जी। एक्साइटेशन का मतलब क्या होता है? एटम एक्साइट हो गया, वो जो मैंने बताया था
रोंदड़ सा न्यूक्लियस जो अपना था। अब ये वाला, अब वो कहता है कि अब इसी से तो पता लगना है क्या, कि वो जो हमारे पास स्पेक्ट्रल सीरीज आ रही थी कौन से वाली, वो बाल्मर, लाइमन, पाश्चन और उसके अंदर वो जो आर एच था उसका नाम था रेडबर्ग कॉन्स्टेंट, वो कहाँ से आ गया था, वो भी यहीं से पता लग गया। लो ऊपर से गुजर रहा है, रुक जा। लो जी, अब हमारे पास अब तीसरा पॉइंट क्या था प्लैंक्स का, कि जो एनर्जी है वो कितनी चाहिए, एनर्जी हायर ऑर्बिट में से कौन सी निकाल दो, यही। और जो आपको स्पेक्ट्रल लाइन मिलनी है ये है, जब वो हायर से कब आएगा, लोअर में, और जब वो लोअर से हायर में जाएगा तो, जब वो लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी लेगा, और जब हायर से लोअर आएगा तो एनर्जी देगा। तो ये इक्वेशन हमने बनाई थी वहां पर, जो जनरल फॉर्म में हमने बनाई थी, वो कहा था 1 ओवर लैम्डा इज इक्वल टू आर एच इज इक्वल टू 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एम स्क्वायर, ठीक है। तो ये जो लैम्डा हमें मिलना है वो ऐसे मिलना है। अब ये एक जाने का एक आने का, तो आने का क्या होगा, इसका ऑपोजिट, एक जाने का और एक आने का। अब हम इधर में पुट करते हैं, तो इसके लिए मैं एन को किससे रिप्लेस कर रहा हूं, पी से, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, E नॉट ओवर क्या आ जाएगा हमारे पास, P स्क्वायर माइनस N, और इधर क्या आ जाएगा, E नॉट इंटू ये क्या आ जाएगा इधर, M स्क्वायर, यही बनेगा। बताता हूँ एक मिनट ये माइनस एक ये भी था, ठीक है, एक जाने का और एक आने का, ये कौन सा है, P से N तक, P से N तक जाने का होगा आने का होगा, P कौन सा है, N कौन सा है, N हायर है, P ये जाने का होगा आने का होगा, आने का, ये जाने का, और रास्ते में ईद भी मिले, एक रास्ते से जाएं एक रास्ते से आएं, ये आगे आपके पास जाने का और ये आने का, जो वेवलेंथ मिलनी है वो आने में मिलनी है, जाने में मिलनी है, जो हमें रोशनी मिलनी है, स्पेक्ट्रल लाइन मिलनी है, वो जाते वक्त मिलती है इलेक्ट्रॉन के या जब वो वापस आ रहा था, जाते वक्त एनर्जी देनी पड़ती है लेनी पड़ती है, और आते वक्त, जो आते वक्त हम लेंगे वो एनर्जी हमें किस शक्ल में मिलती है, स्पेक्ट्रल लाइन की शक्ल में। तो हमने किसको डील करना है, आने वाले को, जो आया है उसने जाना भी है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ई एन, ई एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, ई ई नॉट ओवर एन स्क्वायर, यही फार्मूला बनेगा, इधर आ जाएगा माइनस, इधर आ जाएगा माइनस ई स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर, यही बनेगा, ये क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर ओवर पी स्क्वायर माइनस ई नॉट ओवर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस पहले आ जाएगा, क्या ये ई नॉट कॉमन आएगा, ये बनेगा 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एम स्क्वायर। E इज इक्वल टू क्या होता है, एच एफ, जो हमें वेवलेंथ मिलनी है, एफ किसके बराबर होता है, हाँ एच सी ओवर क्या बनेगा, लैम्डा इज इक्वल टू ई नॉट इंटू क्या बनेगा, 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर एम स्क्वायर, 1 ओवर लैम्डा किसके बराबर, एच सी ई नॉट को आकर क्या कर देगा, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर क्या हो जाएगा, ई नॉट क्या है, कांस्टेंट है, कितना है, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आप 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को पहले कन्वर्ट करोगे किसमें, जाउल में, एच की वैल्यू पे डिवाइड करवाओगे, फिर सी की वैल्यू पे, जब आप ये वाला सारा कांड कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 1.09 × 10⁻⁷ और ये क्या आ जाएगा इधर पर मीटर, और ये क्या आ जाएगा, 1 ओवर पी स्क्वायर माइनस 1 ओवर, ये क्या था, तो यहां से कौन आया था फिर, रेडबर्ग। तो कांस्टेंट की वैल्यू तो पता थी लेकिन निकल कैसे रहा ये नहीं पता था, कहां से पता लगा, जब किसका पास्टुलेट आया, बोहर का, तो बोहर के पास्टुलेट ने एक्सप्लेनेशन दे दी कि इस वजह से आपकी क्या बनती हैं, स्पेसिफिक कलर की क्या बनती हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस बनती हैं। छोटा सा न्यूमेरिकल 2 नंबर का, ना 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 और रुक यार, छुरी थले साल है, एक मिनट बुक दिखा दे, हाँ जिसको आग लगी है तन मन धन में वो चला जाए।
ओए वो कहता है फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट। लो जी स्पीड का फार्मूला मैं देख के लिख रहा हूँ, एन किसके बराबर था, 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एन एच, 1 ओवर एन 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एच। ये हमें पता है पहला ऑर्बिट है तो क्या आ जाएगा 1, तो क्या बचेगा 2 पाई के ई स्क्वायर ओवर एच इंटू 1। तो बस आपने वैल्यू पुट करनी है, तो स्पीड आ जाएगी फर्स्ट ऑर्बिट में 2.19 इंटू 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड। कौन सा ई नोट, वो जनरल फार्मूला जो हम पीछे निकालते आ रहे हैं, ई नोट 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है ना। लो जी अदनान एक मिनट रुकना, बात सुन के जाना, हो गया सबको क्लियर, जाओ यार छुट्टी करो।